बहुत पहले एक लड़का एक बार एक जंगल में घूमने के लिए गए थे। जंगल में घूमते घूमते जब वो लड़का जंगल के शेष सीमा पर आ पहुंचे, तब उसने देखा कि एक साधु बैठा हुआ है और साधु का बहुत ही बुरा हाल है और वो बहुत ही प्यासा है। उसका हाल कुछ ऐसा था कि अगर उसे पानी नहीं मिलती तो शायद वो मर ही जाता। उस वक्त उस हालात में उस लड़के ने उस साधु को पानी पिलाकर उनकी जान बचाए थे। तब उस साधु ने खुश होकर उस लड़के को आशीर्वाद किए थे और उसे एक नेवला तोहफे के रूप में दिए थे। तब वो लड़का उस नेवले को देखकर थोड़ा डर गए थे, पर तब उस साधु ने उसे आश्वासन देकर कहे, उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, मैंने उसे छोटी उम्र से ही शिक्षा दिया है, तूने मेरा तो जान बचाया है, ये कभी भी तेरा कोई भी नुकसान नहीं करेगा, बल्कि हर हाल में तेरा उपकार ही करेगा। इसके बाद वो लड़का उस नेवले को अपने साथ लेकर चले गए थे। वो नेवला हर वक्त उसके साथ ही रहता था। ऐसे ही सालों से रहते रहते दोनों के बीच में गहरा रिश्ता बन चुका था। इसके बाद कुछ ही साल बाद उस लड़के ने एक लड़की से प्यार कर बैठा, फिर उन दोनों के बीच में शादी हो गई थी। कुछ सालों के अंदर ही अंदर उन दोनों के एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा भी हुआ था। पर बच्चे का जन्म होने के बाद वो लड़का और उस नेवले को ज्यादा समय ही नहीं दे पाता था, क्योंकि अपने परिवार के लिए हमेशा वो काम पर ही व्यस्त रहता था और इसीलिए वो नेवला भी बहुत ज्यादा दुखी था। और इस बात को वो लड़का भी समझ रहा था और मन ही मन महसूस भी कर रहा था। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तब वो लड़के ने घर के अंदर अपने बच्चे के पास में ही उस नेवले को रखकर बाहर चले गए थे। लेकिन तब एक मुसीबत आई। एक बहुत ही जहरीला सांप तभी उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। तब जब उस नेवले ने देखा कि वो बच्चे को मारने जा रहा है, तब उस नेवले ने उस सांप को बीच में से फाड़ डाला। बच्चे को बचाने के बाद वो नेवला बाहर दरवाजे के पास यही आस लेकर बैठा था कि शायद उसका मालिक आकर उसे थोड़ा प्यार देगा। पर जब उसके मालिक ने घर लौटे, तब उन्होंने उस नेवले के मुंह पे लगे हुए खून को देखकर यही सोचे कि वो नेवला शायद ईर्ष्या के वजह से उसके बच्चे को ही मार डाले हैं। तब कुछ भी ना सोच समझकर उस आदमी ने एक डंडे से बहुत ही बेरहमी से उस नेवले को मार डाले थे। तब उसे मारने के बाद जब वो अपने बच्चे के पास गए, तो उन्होंने देखे कि उस बच्चे के सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। तब सब कुछ समझने के बाद वो तो दिल से बिल्कुल टूट पड़े और रोने लग गए। तब मन ही मन कहने लगे, हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। लेकिन तब सब कुछ खत्म हो चुका था। हमारे जिंदगी में हम लोग किसी भी सिद्धांत लेने में बहुत ही जल्दबाजी कर बैठते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहे हैं, वो हमेशा सच नहीं होते हैं। विश्वास तैयार होने में बहुत साल लगते हैं, पर विश्वास टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगते हैं। और इसीलिए हमेशा सब कुछ जानबूझकर ही जिंदगी में सिद्धांत लेना चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, कमेंट पे बताना वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।